नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत असुरहद्दीय वन भूमि पर अवैध रूप से संचालित बैरल खदान की गुप्त सूचना मिलने पर शनिवार को खुरीमहुआ एसडीओ डीएसपी और वन विभाग के अधिकारी छापेमारी करने पहुंचे, लेकिन खदान संचालक मौके से फरार हो गए। इस बाबत एसडीएम धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि काफी दिनों से यह सूचना मिल रही थी कि इस वन भूमि पर गुप्त रूप से अवैध खदान से बैरल निकाला जा रहा है, जिसके बाद एक छापेमारी टीम गठित कर शनिवार को उक्त स्थल पर छापेमारी करने पहुंचे तो कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं मिला, जबकि देखकर प्रतीत हो रहा है कि खदान संचालित है। मौके पर मौजूद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश महतो ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तीसरे प्रखंड अंतर्गत असुरहद्दीय वन भूमि पर अवैध रूप से बैरल खदान संचालित हो रहा है, जिसकी धरपकड़ के लिए वन विभाग की पूरी टीम, एसडीएम और पुलिस की पूरी टीम चिन्हित स्थल पर पहुंचे, पर वहां कोई भी मौजूद नहीं था। फिलहाल इस धंधे से जुड़े जो भी लोग हैं उन्हें चिन्हित कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूचना इधर कुछ दिनों से बराबर मिल रही थी, ये असुरहड्डी ग्राम से सटा हुआ जो जंगल है उसमें अवैध माइनिंग करके बैरल निकाला जाता है। एसडीएम साहब के साथ इंस्पेक्टर साहब, थाना प्रभारी, हम लोग यहाँ आए, लेकिन अभी जो गड्ढे बने हुए हैं उसमें कोई इस तरह का आदमी नहीं दिखाई दिया, किंतु उसमें सुरंग बना हुआ है। फॉरेस्टर के लोग भी है, पदाधिकारी है, इनको आदेशित किया गया है कि इसको तुरंत जो है डोजरिंग करें और आवश्यक कार्रवाई करें। आसपास लोगों से भी पूछताछ किया जा रहा है। इस धंधे में जो लोग भी शामिल हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अवैध माइनिंग होने की सूचना प्राप्त हुई थी, उसी के आलोक में हम लोगों ने अभी भ्रमण किया है तीसरी की असुर हड्डी का। कई होल्स दिख रहे हैं जिसमें निश्चित रूप से जान माल की हानि होने की संभावना भी प्रतीत होती है। यद्यपि स्थल पर कोई पाया नहीं गया है, लेकिन ये जरूर लगता है कि खुदाई करने से कि यहाँ पर पूर्व में कार्य शुरू किया गया है। आगे कार्रवाई क्या करेंगे? अभी तो जो वन विभाग के लोग हैं उनको डोजरिंग करने के लिए कहा गया है, फिर जैसे सूचना मिलेगी उसके आगे छापेमारी भी करेंगे।